हे गाइस, तो कैसे हो आप? वापस से इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इप्सन का जो L6270 मॉडल होता है प्रिंटर का, उसका बिके का कलर रिफिलिंग कैसे किया जाता है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि मैं इस प्रिंटर में लाइट दे देता हूँ और उसके बाद अभी दिखाता हूँ मैं क्या कैसे आपको कलर इसमें भरा जाएगा। तो जैसे आप लाइट देकर लाइट देने के बाद आपको इसको उठाना है ऐसे, और उसके बाद इसको भी जस्ट आपको उठा देना है। उठाने के लिए यहाँ पे लॉक बटन होता है, लॉक को आपको ऐसे करना होगा इधर स्क्रॉल, इसके बाद उठा देना होगा। ठीक है, जैसे उठाते हैं इसके बाद इसको भी उठा देना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्लैक है तो ब्लैक कलर को आपको उठा लेना है और फटाफट से आपको कलर का डब्बा खोल लेना है। और डब्बा खोलने के बाद इसको इस तरीका से इसमें लगा देना है। इसको दबाना वबाना नहीं है, क्योंकि अगर इसमें साफ साफ लिखा है कि दबाने का नहीं, और डायरेक्ट इसमें अपने आप इसमें ऑटोमेटिक कलर भर जाता है। जैसे भर जाता है जिस तरीका से खोले से उसी तरीका से लगा देंगे। तो देख सकते हैं ये कलर भर रहा है, तब तक आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी कलर भरने की स्थिति में है और इसमें फुल्ली कलर भर गया है। तो मैं फटाफट से इस बोतल को निकाल लेता हूँ और इसको साइड में रख देते हैं, और इसके बाद इसको जो बट इसका ढक्कन है उसको लगा देते हैं, इसके बाद इसको लगा देते हैं। और ये बहुत ही गंदा है इसलिए इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। अगर आपका प्रिंटर गंदा हो तो कुछ दिनों के बाद आप खोल कर उसको जरूर साफ कर दें, अन्यथा कचरा भर सकता है उसमें। उसके बाद इसको हम जस्ट लगा देते हैं और इसको भी लगा देते हैं। उसके बाद आपको फ्रेंड्स करना ये है कि फंक्शन में जाके मेंटेनेंस में जाके इसको कर देना है क्लीन, प्रिंट हेड क्लीन स्टार्ट कर देना है। और ये कुछ टाइम में, ये अभी 3 मिनट बता रहा है, 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक मतलब जो भी कलर डाले हैं वो एक्चुअली मिल जाएगा। उसके बाद ये प्रिंट रेडी हो जाएगा प्रिंट करने के लिए। तब तक इस वीडियो में आप बने रहें। और यहाँ पे जब तक 3 मिनट का टाइम बता रहा है, जब तक हम इस वीडियो को पॉज कर देते हैं। गाइस ये रेडी हो गया और ये कलर प्रिंट और टेस्टिंग के लिए ऑटोमेटिक निकाल रहा है। और देख सकते हैं गाइस ये प्रिंट होकर निकल गया और मैं इसमें चेक करता हूँ तो इसमें बता रहा है अभी ब्लैक वाला कटिंग बता रहा है, मतलब ये सही से नहीं हुआ है। फिर से हम इसको करते हैं, उसके बाद आपको अगर किसी भी कलर में लाइनिंग आता है तो आप दोबारा से इसको क्लीन कर दें हेड को, और वो लाइनिंग नहीं आएगी। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।